आगामी 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दरभंगा में चुनावी सभा का आयोजन है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण पर है। इस कार्यक्रम के प्रभारी हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल की देखरेख में यह सारा कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। पूछने पर इनका कहना है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए पूर्ण बहुमत में आएगी, वहीं मिथिलांचल के लिए सौभाग्य की बात है कि किसी न किसी बहाने प्रधानमंत्री का आगमन मिथिलांचल में हो रहा है, जो एक शुभ संकेत है। एवं इस बार जो बचा हुआ कार्य है, एनडीए की सरकार बनेगी तो पूर्ण विकास होगा और चारों तरफ जो रुका हुआ कार्य है उसमें प्रगति आएगी। दरभंगा दर्शन की एक रिपोर्ट। मिथिलांचल की धरती पर मिथिलांचल से जुड़ी हुई जितनी सीटें हैं उसके लिए उसके प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। कल हम लोगों ने कुछ जनसंपर्क किया था, लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिला प्रधानमंत्री जी के आगमन को कह करके। एक उदाहरण के स्वरूप में आपको बताना चाहूँगा कि एक महिला मुझे मिली जिन्होंने कहा कि भाई 10 साल माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनका एक बार भी दर्शन नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी अपने पीछे 6 साल के कार्यकाल में ये चौथी बार जो है वो मिथिलांचल दरभंगा की धरती पर आ रहे हैं। अगर मिथिला जोड़ दिया जाए तो उनका हर साल एक बार आगमन यहाँ जरूर हुआ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जी जनता से जुड़े हुए हैं और जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनता का अटूट विश्वास उनके साथ है कि वो जो बोलेंगे वो करेंगे। आपने देखा होगा कि इसमें दरभंगा में एम्स आ रहा है, दरभंगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 150 करोड़ रुपये सेंक्शन हुआ है, हवाई जहाज जो है उड़ान यात्रा की शुरुआत यहाँ से हो रही है, मखाना के ब्रांडिंग के लिए उन्होंने कुछ धनराशि उपलब्ध कराई है। साथ ही साथ जो शहर का जो इलाका है उसमें एक टाउन डेवलपमेंट के लिए भी एक स्कीम मोदी जी ने फॉर्मुलेट किया है। तो दरभंगा अगर आप सांस्कृतिक रूप से देखें तो पाग पर डाक टिकट भी उन्होंने इस्तेमाल करके इशू करके जो है ये मिथिलांचल को एक अलग पहचान दिलाने की कोशिश की है। तो जिस प्रधानमंत्री ने इतना काम किया है मिथिलांचल के लिए, उसको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, तो मुझे लगता है कि पूरा जो है पूरे लोग उमड़ पड़ेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी की पिछली रैलियों को भी आपने देखा है, यहाँ जो हुई थी, एक सासाराम का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक महिला भाजपा की सभा में आके कहती है कि वो तो लालू जी को यहाँ पे देखने सुनने के लिए आई है, वही रोजगार देंगे। ऐसे वीडियो को तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया है, आप इस वीडियो के प्रति क्या कहेंगे? देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना दुर्भावना से बनाई हुई है। लाखों की संख्या में सासाराम की रैली में बताऊँ कि मैं हजारों की संख्या में लोग थे, उतनी संख्या में लोग के बीच में से एक अगर व्यक्ति या एक महिला इस प्रकार के प्रश्न अगर उठाती है तो निश्चित रूप से ये प्लांटेड केस है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को देख करके, उनके रैलीज में भीड़ को देख करके, ये जो है मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये प्लांटेड वीडियो है और इस वीडियो का जो विपक्षी दल के लोग हैं उसका लाभ उठाने का प्रयास कर। ये बिहार में ही जब ये यूनाइटेड बिहार था तब की मेरी पैदाइश है, अनेकों रिश्तेदार बिहार में आज भी रहते हैं, तो बिहार से एक जैसे रोटी बेटी का नाता जो होता है वो हम झारखंडियों का है। जहाँ तक रहा सरकार गंवाने की बात, तो आप देख रहे हैं गठबंधन जो है, अभी आप देख रहे हैं झारखंड की क्या स्थिति है, उग्रवाद फिर से चरम पर है, जित लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बदतर हो गई है। मैं गारंटी करूँगा कि अगर आज चुनाव हो जाए तो एनडीए जो है वहाँ पर बड़े मार्जिन से बहुमत पे आएगी, ये आप भी अच्छे से समझते हैं। बिहार में लोगों ने एक कंपैरिजन किया है, 15 साल बनाम 15 साल, 15 साल लूट के, 15 साल अपहरण के, 15 साल हत्या के, 15 साल जिसमें विकास नहीं हुआ बनाम
सुशासन और विकास का, तो ये लोगों के पास सामने है। और केवल एक बात का उत्तर मैं किसी से भी पूछता हूं कि क्या आप पुनः उस किडनैपिंग के युग में, पुनः उस अंधकार के युग में जाने के लिए तैयार हैं क्या? तो लोगों का तो बहुत सकारात्मक हम लोगों को जवाब मिलता है। और मेरा पूरा विश्वास है कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बड़े बहुमत से आने वाली है। लेकिन ये भी बातें उभर के सामने आ रही है, लोग बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उसी 15 साल का डर दिखाकर फिर से सत्ता में वापसी चाहते हैं। हालांकि उसमें आप लोगों की भी चर्चा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लोग हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार बार बार उसी 15 साल का डर दिखा करके और लगातार सत्ता में बने रहना चाहते हैं। देखिए, ये बात बताने की नहीं है, नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर काम किया है। आप एक उदाहरण ले लीजिए, शराबबंदी का जो निर्णय किया है, आज आप देखेंगे कि महिलाएं हमारी खुशहाल हैं, अधिकांश परिवारों से ये जो शराब का मेनेंस है ये दूर हुआ है। तो मतलब ये मैंने एक पॉइंट आपको बताया, तो ये डराने की बात नहीं है, लेकिन ये बात बताने की जरूर है। आज ही मैं अखबार में देख रहा था कि कहीं पे एक आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें कि लोगों ने चर्चा की है पिछले 15 सालों की। तो मेरा तो इतना ही मानना है कि नीतीश कुमार जी ने जो किया है विकास के लिए बिहार में, वो अतुलनीय है। और आगे जो उनका विजन है, और अगर भाजपा का साथ रहेगा तो ये जो है ये गाड़ी बहुत आगे तक जाएगी। सर, एक सवाल है, शराबबंदी तो जरूर हुआ है, लेकिन सभी के मुंह से यही निकल रहा है कि होम डिलीवरी बड़े आराम से मिल रहा है, तो इस पर सर क्या करेंगे अगर आपकी सरकार बनेगी तो होम डिलीवरी का जो ये डर है लोगों के बीच में, उस पर क्या कहेंगे आप? ये एक आर्थिक अपराध है, और जहाँ पर भी पैसे से जुड़ा हुआ अपराध जो भी होता है ना, उसमें इस प्रकार की बातें आती हैं सामने में। आपने देखा होगा कि लाखों केसेस पिछले 5 सालों में पुलिस ने रिकॉर्ड किए, एक्साइज ने रिकॉर्ड किए है। लेकिन फिर भी ये मानूंगा मैं कि कुछ हद तक जो है कि आपके बात में भी सच्चाई है, लेकिन इन्फोर्समेंट में कहीं पर भी कोई कमी नहीं आया है। रोज केसेस हो रहे हैं, रोज के बेसिस पर शराब पकड़ा जा रहा है और रोज के बेसिस पर लोग जेल जा रहे हैं। लेकिन सार्वजनिक रूप से, मैं भी यहाँ पर पिछले 10-15 दिन से घूम रहा हूँ, मैंने एक भी व्यक्ति को पी करके सड़क पर हल्ला करते हुए नहीं देखा। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। पिछली बार अपार बहुमत से आपकी सरकार आई थी, इस बार क्या स्थिति रहेगी? मेरा तो ये मानना है कि जिस प्रकार से हमारे विपक्ष के लोग जाति और धर्म के बीच में लोगों को बांट रहे हैं, उसके अनुरूप में मेरा ये मानना है कि बिहार की जनता जो कि समझदार है, बड़े मार्जिन से इस बार पुनः एनडीए को सत्ता सौंपे। एक छोटा सवाल है सर, बिहार में बात करें, मिथिलांचल की आपने बात की, प्रधानमंत्री चौथी पांचवी बार यहाँ आ रहे हैं, ये अच्छी बात है मिथिलांचल के लिए। लेकिन मिथिलांचल में सर जितने कल कारखाने हैं, जो किसान हैं, जो हजारों एकड़ में गन्ना करते थे, उनकी रोजी रोटी थी चीनी मिल, वो सभी बंद है, जूट मिल बंद है, तो अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या इस पर आगे आपका होगा? पिछली सरकारों ने भी कई एक बार ट्राई किया कि ये जो चीनी मिले हैं यहाँ खुले, लेकिन क्या होता है कि जब तक कोई एंटरप्रेन्योर सामने नहीं आए, जब तक कोई व्यवसायी सामने नहीं आए, अगर आप गोपालगंज वाले इलाके में देखेंगे या बघा वाले इलाके में देखेंगे, तो जो चीनी मिले हैं वो काफ़ी हद तक चल रही है। इस इलाके में एक हसनपुर और आपका रीगा, यही जो है वो चल रहा है, बाकी 2-3 मिले बंद है। लेकिन ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि पूरे हिंदुस्तान में चीनी इस वक्त सरप्लस है, लेकिन अभी भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है कि चीनी मिलों में इथेनॉल बने और इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो पेट्रोल में हो। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में, कुछ समय में, ये जो चीनी मिलें बंद हैं वो पुनः इथेनॉल की मिलों में कन्वर्ट होकर के अपने आप को जरूर चालू करेंगे, या कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर इनको जरूर मिलेगा। थैंक यू।